तुम तो सो रहे थे। ओए तू बड़ी शियार बन गई। अच्छा मेरा पाँव तो छोड़ दो, मैंने गिर जाना है। अली ये कोई फोन है ये तो इधर रख के तुमने, वो देखो सोफा गंदा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चलो मेरा पाँव छोड़ो। सब ओके जी, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट। मेरा पाँव छोड़ो यार, क्या मैं गिर जाऊंगी। अली तुम पागल हो गए हो। ये अब पेज पे है, ये सब्ज मिर्च डाल नमक भर के इसका अपना टेस्ट। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। जी तो गाइस कैसे हैं आप सब, आई होप सो कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, और जो नहीं ठीक अल्लाह ताला उनकी तमाम मुश्किलात को परेशानियों को हल फरमा दे, उनको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ नेकियों वाली लंबी जिंदगी अता करे, आमीन। और जो भी मेरी प्यारी प्यारी बहनें कहती हैं कि हमारे लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उनको नेक और सारे औलाद अता फरमाए। चलो जी गाइस आज का ब्लॉग हम करते हैं यहीं पे स्टार्ट। हमारे तो आज सोलर सिस्टम को पता नहीं क्या खराबी पड़ गई है, सुबह से उसने तंग करके रखा हुआ है, और साथ ही हम पूरे घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं, गर्मी शदीद है। आज हमारे घर आ रहे हैं कुछ स्पेशल गेस्ट, पापा जी के फ्रेंड, और पापा जी कुकिंग शुकिंग कर रहे हैं। आप लोगों को भी दिखाती हूँ मैं आज पापा क्या क्या बना रहे हैं। और अली साहब घूमने फिरने निकल गए थे, मरी शरी घूम के आए हैं, और अभी तक उसकी सुस्ती ही नहीं मुक रही। शाम के 5 बज रहे हैं और अभी भी वो सो रहा है। और जैसा कि आज संडे है तो संडे में हर कोई बड़ा सुस्त हुआ होता है, लेजी हुआ होता है, लेकिन हमारे पापा जी को आज छुट्टी है, और आज पापा जी ने किचन संभाला हुआ है। देखते हैं पापा जी क्या बना रहे हैं। बाकी पापा जी के फ्रेंड जिंदाबाद आते रहे हमारे घर, आपकी वजह से पापा जी के हाथों के मजे मजे खाने हमें भी खाने को मिलते रहे। इसी बहाने से हमें भी मौके मिल जाते हैं यार। और जैसे कि चिमटो चिमटो की आवाज़ें आप लोगों को भी आ रही होगी, चमचियाँ चमचियाँ जो हिल रही हैं अंदर। और मदीहा जी लव यू सो मच, आपने हर व्लॉग में कहा कि आपका नाम ले नाम ले, आवाज़ें भी आ रही हैं ऊपर से। पापा जी जरा कोई काम शाम चल रहा है, वो ऊपर बुला रहे हैं आपको, वो कह रहे हैं मुख्तियार साहब। ये देखिए जी यहाँ पे पापा जी लगे हुए हैं। चले जी ये पापा कुकिंग शुकिंग कर रहे हैं और अपनी मिर्चियों में नमक भर रहे हैं। क्या बन रहा है पापा जी? मटन पुलाव, जो कि पापा के हाथ का स्पेशल है ये मटन पुलाव। हम लोग तो बड़े शौक से, मुझे ईद की इतनी खुशी नहीं होती, बल्कि ईद पे जो पापा ने डिशेज बनानी होती है ना, उसके अंदर मटन पुलाव लाजमी होता है, उसकी ज़्यादा खुशी होती है। ये जी पतीला ऊपर रख दिया पापा ने, और पापा ने मुझे भी सिखाया था बनाना। चलो जी यहाँ पे ये मूसू को देखो, और ये दुआ जी भैया के पीछे पीछे हैं, भाई की भी मत बज चुकी है गर्मी की वजह से। हाँ जी क्या हाल है? बस हाल बेहाल है, कुछ बच्चों ने बेहाल किया, कुछ गर्मी ने हालत खराब की है, और कुछ ही सोलर सिस्टम ने हमारे सुबह से। ये दुआ को आप अंदर ले जो, दुआ चलो अंदर। और अली साहब अभी तक सो रहे हैं, पापा जी के मटन पुलाव की खुशबू वहीं तक आ रही है। चलो बेबी अंदर, चलो अंदर अंदर चलो। पापा जी ऊपर जा रहे हैं, सारे खप रहे हैं। चलो दुआ अंदर, आपके चाचू को उठा के लाती है। चलो चले जब हम अली को उठाते हैं, ठीक है कुछ काम वो भी कर ले, हम लोगों का तो सुबह से बुरा हाल हो चुका है। ये देखो खुद यहाँ पे ये सो रहा है, और ये बर्तन इसने रखे हुए हैं यहाँ पे। मुझे लगता है इसको ना इसकी कमी हो रही है। 1 2 3 तुम तो सो रहे थे। ओए तू बड़ी शियार बन गई। अच्छा मेरा पाँव तो छोड़ दो, मैंने गिर जाना है। अली ये कोई फोन है ये तो इधर रख के तुमने, वो देखो सोफा गंदा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चलो मेरा पाँव छोड़ो। सब ओके जी, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट। मेरा पाँव छोड़ो यार, क्या मैं गिर जाऊंगी। चलो छोड़ दो अब, अली तुम पागल हो गए हो। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? गाइस ये देख लो उसके काम। आज माफी दे रहा हूँ, इतनी शियार ना मिले। गाइस मैं इससे ना पूरे 5 दिन बाद मिल रही हूँ, फिर भी हमारी लड़ाइयाँ ही हो रही है, क्योंकि जब ये वापस आया मेरे हो रहे थे एग्जाम्स, मैं अपने एग्जाम्स में बिजी थी, अभी भी मेरे एग्जाम्स चल ही रहे हैं, और मेरी
बस हुई है ना मेरी नींद पूरी हो रही है क्योंकि पापा जी ने कहा है लाइट तो ऑन कर लूं भाई बंद रहने दे क्यों ये इसकी टी शरीफ भी देख ली आई एम वेरी चौकस नाउ डेज बिकॉज जो लास्ट टाइम मेरे साथ हुआ है अब नहीं हुआ मैंने अपने साथ आत्माइश हो रही थी कौन सी आत्माएं और वैसे बहुत ज्यादा गर्मी थी नीचे तो स्कूल हुआ है बाकी जी पापा जी ने मुझे टास्क दिया हुआ है गोल्ड मेडल का मैंने गोल्ड मेडल लेना ही लेना है इसलिए मैं जरा हर चीज से थोड़ा साइड पे हुई हूँ मुझे ना खाने का पता है ना पानी का हाँ क्यों तो जब तुम सोते हो गाइस ये सोते ना घोड़े बेच के सोता है बंदा अच्छा चलो सो जाओ दोबारा गुड नाइट अल्लाह हाफिज टांगे दबा मैं बताती हूँ तुम्हें टांगे दबाओ तुम्हें जूते पड़ने वाले हुए हैं शाम के 5 बज गए उठ जाओ मेहमान भी आने वाले हैं और वो स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं हमारे घर आप लोग गेस करें कि किस लोगों को यूके से गिफ्ट आते हैं लेकिन हमारे देखे भाई यूके से मिलने आए हैं भाई फेमस लोग तो उठो यहाँ पे कि सारी सफाई करने वाली है इसे बर्तन भी यहाँ पे रखे हुए हैं सारे यहाँ पे सेटिंग होने वाली है अभी और देखे जी सोए सोए फेमस हो गए हैं ख्वाबा मिर्च चलो जी माँ जी ने सारी कटिंग चटिंग कर ली है और माँ जी बैठ चुकी हैं ऐसी वैसी समझ जरा गाला शाला जो सानू सुबह दोपहर शाम पैंदिया ने हमारी थकी है ये अज तो सुबह ए सी नहीं जाना चाह रहा सोलर खराब हो गया किचन काम आने वाला मेरे मेरे वास्ते काम नहीं था मैं लेकिन अंदर ही अंदर माँ जी खुश बड़ा है कि जी अपने हस्बैंड जी के हाथ के पुलाव खाएंगे और हम भी बड़े एक्साइटेड हैं बाकी मैं तो कहती हूँ पापा जी के जितने दोस्त देख रहे हैं एक 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 दिन आ जाए खड़े ताकि रोज पापा जी एक एक डिश बनाए और इसी बहाने हमारे भी जो है ना बात तो सही है पापा के जन्मदिन रख लो काम ना कोई करे पापा मैं समझ पापा के हाथ का जायका है ना पापा जी से गर्मी की वजह से बोला भी नहीं जा रहा पापा ऐसे मुंह लटका हाँ गर्मी बहुत ज्यादा गाइस जिसकी वजह से सबको कुछ ना कुछ मसले हो रहे हैं आप लोग अपना ख्याल रखें घर में रख करें फजूल बाहर जाके वाला कर दिया ना करें और कोई फ्रूट शूट खाएं जूसेस पिए ठंडी ठंडी लस्सी बना के पिया करे कच्ची लस्सी पिया करे लाजमी लस्सी पियो तो गोड़े च दर्द शुरू हो जाता है गर्म चीज खाओ तो ब्लड हाई हो जाता है दिमाग घूम जाता है चलो जी पापा भी थक गए हैं और यहाँ पे आ गए हैं लाएं जी चलो हम लोग किचन भी जाके रखते हैं और देखते हैं पापा जी का पुलाव कहाँ तक पहुँचा है और साथ में क्या क्या बनाया है वो भाभी ने बनाया है बाकी सालन वगैरह तो ये पता नहीं क्या इसके ऊपर रखा हुआ ठीक है ये पप्पी उतार लेंगे नहीं अभी क्या अभी दम लिया अच्छा ये भी तो पक रहे हैं बस दो मिनट बाद दो दो चार ये अब टेस्ट पे है ये सफल मिर्चे डाल नमक भर के इसका अपना टेस्ट ये दम देने लगे आप चलो
आंच करके फिर 10 मिनट हल्की आंच पे रख के बंद कर दिए, फिर 15 मिनट बाद इसको खोल दिए। अच्छा बस 15 मिनट रह गए। चलो जी सबने खाना शाना वैसे खा लिया, देखते हैं सालन क्या बना हुआ है। और मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया, ये चिकन बनाया ये भाभी जी ने बनाया है। अब मैं खाऊंगी पुलाव के साथ सालन डाल के, क्योंकि मुझे इस तरह से पसंद है साथ रायता सालन और पुलाव। रोटी मैंने नहीं खानी, बाकी जी कोई अपना तरबूज तरबूज खा लेते हैं, फ्रूट वगैरह खा लेते हैं क्योंकि मेहमानों ने तो रात को आना, हम तो कोई पेट पूजा करें अपनी। चलें जी ये आ गया हमारा तरबूज, अब कोई तरबूज वगैरह खाते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और फाइनली फाइनली हमारा एसी चल चुका है, जाके अब एसी वाले रूम में बैठती हैं। और आज मेहमान आ रहे हैं, हमारे सोलर को भी पता नहीं क्या हो गया, और माशाल्लाह से आज काम वाली भी नहीं क्योंकि संडे है तो संडे की छुट्टी होती है, ऑफ है। तो जी घर पर सारे खिलाड़े शिलाड़े पड़े हुए हैं और ऊपर से शाम भी हो गया और किसी की नींद पूरी होने का नाम नहीं है, किसी की समझ जाए ज़रा। बाकी आपकी बहन को भी बड़ी सुस्ती वगैरह हुई हुई है, एग्ज़ाम्स की तैयारियाँ कर करके वैसे ही हिल चुका है दिमाग, ऊपर से गर्मी ने बस करवा दिया। Later. जी तो गाइस मैं नीचे आके फाइनली सेटिंग वगैरह करना स्टार्ट कर दी है भाभी की जी के साथ मिलके, मैंने कहा हेल्प शेल्प जरा हो जाए, पता चला जी ये डाइनिंग जो है सारा सेट वगैरह करना है यहाँ से हमने। बाकी जी हमारा 15 के जो है ना वो मैं आपको लोगों को दिखाती हूँ कहाँ रूलर है, वो देखिए जी यहाँ पे इस पेटी के साथ ये बेचारा रूलर है हमारा 15 के। मेरी तो आज बस हो चुकी है और मुझे फुल तेज वाली नींद आ रही है, बस मैंने जल्दी से सारी सेटिंग करवानी है, खाना शाना लगाना है और जी अपने रूम में जाके मैंने लॉक लगा लेना है, बस सो जाना है। खराटे मार के मुझे लगता है मैंने आज सोना है क्योंकि मेरी 2-3 दिनों से नींद पूरी ही नहीं हो रही। तो जी हमें रखिए अपने दुआओं में याद। ओके जी अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, आबाद रहें और हंसते रहें मुस्कुराते रहें। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो तो जी लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।